Hello friend, welcome back once again in my YouTube channel. So friend, today we will discuss about the aromaticity of the compound. So what is aromaticity? Aromaticity is a chemical property of an organic compound, and aromatic compound show following characteristic properties. तो हमने कुछ characteristic properties लिखे हैं यहाँ पर आपका जो aromatic compound आपका यहाँ पर show करते हैं. अगर कोई भी कंपाउंड ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है दैट मींस वो कंपाउंड क्या होगा आपका एरोमेटिक होगा. तो देखो ये प्रॉपर्टी कौन कौन सी है हमने यहां पर सब लिखे हैं वन बाय वन हम इनको आपका डिस्कस कर रहे हैं. पहला आपका इट हैज हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी. हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी मतलब क्या है? हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद द रेजोनेंस एनर्जी. दैट मींस जितनी ज्यादा हमारी रेजोनेंस एनर्जी होगी कंपाउंड उतना स्टेबल होगा, और कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एरोमेटिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी. तो हम यहां पर कह सकते हैं आपका कि क्या आपका एरोमेटिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/1 पोटेंशियल एनर्जी. दैट मींस जितनी ज्यादा हमारे पास कंपाउंड की जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारा स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा कंपाउंड उतना ज्यादा क्या करेगा आपका एरोमेटिसिटी शो करेगा. तो अगर हम यहां पर कोई एग्जाम्पल लें, सपोज हमने यहां पर आपका एग्जाम्पल लिया NH, सेकेंड हमने लिया आपका सल्फर, थर्ड हमने लिया यहां पर ऑक्सीजन, नेक्स्ट हमने यहां पर लिया आपका पिरिडिन, और एक हमने लिया आपका बेंजीन. तो ये हमारे पास कुछ आपके एरोमेटिक कंपाउंड है, कुछ कंपाउंड है. तो अगर हम इसको देखें, इसका नाम है आपका पायरोल, इसको देखें तो ये आपका थायोफिन, और इसको देखें तो ये आपका फ्यूरोन, और ये आपका पिरिडिन, ये आपका है पिरिडिन, और यहां पर ये आपका है बेंजीन. तो ये सब के सब क्या हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है. अब यहां पर हम इसकी रेजोनेंस एनर्जी देख रहे हैं. रेजोनेंस एनर्जी होती है वो होती है आपकी 21 किलो जूल पर मोल, और जो थायोफिन की होती है वो थायोफिन की होती है आपकी कितनी 29 किलो जूल पर मोल, और जो फ्यूरोन की होती है वो होती है हमारे पास 16 किलो जूल पर मोल, और जो पिरिडिन की होती है वो होती है हमारे पास 32 किलो जूल पर मोल, और जो बेंजीन की होती है वो होती है आपकी 36 किलो जूल पर मोल. तो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो हर जगह हमने क्या कर रखा है आपका रेजोनेंस एनर्जी रखी है. अब देखो क्या आपका रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, और तो अगर एरोमेटिसिटी का हमें ऑर्डर लगाना होगा तो अगर इसको हम फर्स्ट दें सेकंड थर्ड हो गया फोर्थ हो गया फिफ्थ हो गया, तो अगर इसमें एरोमेटिसिटी का ऑर्डर लगाएं तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी आपकी, सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी है किसकी आपकी बेंजीन की, तो बेंजीन क्या होगा सबसे ज्यादा एरोमेटिक हो जाएगा. तो यहां पर देखेंगे हम तो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा कौन आपका बेंजीन, और बेंजीन के बाद देखो यहां पर पिरिडिन और यहां पर आपका पिरिडिन, तो कौन सा होगा आपका फिर होगा आपका पिरिडिन के बाद देखो हमारे पास पिरिडिन के बाद क्या है 29 आपका थायोफिन देखो थायोफिन के बाद क्या आपका 21 है पायरोल, फिर आपका है पायरोल, और लास्ट में कौन आता है आपका लास्ट में हो गया आपका फ्यूरोन. तो लास्ट में आपका फ्यूरोन. अब ये कैसे आपके एरोमेटिक है इसको हम बाद में आपका डिस्कस कर लेंगे, जहां वहां पर अकल रूल पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे आपको क्या कैसे आपका कंपाउंड आपके एरोमेटिक होते हैं. तो ये आपका एरोमेटिक ऑर्डर है. तो पहला कंपाउंड पहला था आपका हाई डिग्री ऑफ एरोमेटिक स्टेबिलिटी, मतलब है कि जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी आपकी ज्यादा होगी. ठीक है देखो दूसरा पॉइंट आपका पहला पॉइंट कंप्लीट, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है इट शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. देखो बेंजीन अगर हम क्या करें हमने क्या किया सपोज एग्जाम्पल लेते हैं हम एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर एल्कीन की रिएक्शन हमने कराई किसके साथ सपोज हम इसकी रिएक्शन करते हैं आपका
ब्रोमीन वाटर के साथ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O और ऐसे हम इसकी रिएक्शन करते हैं आपका KMnO4 के साथ, KMnO4 के साथ। तो ये क्या करता है आपका, ये आपका एल्कीन है। तो देखो एल्कीन क्या करता है, इस ब्रोमीन वाटर के से क्या करेगा आपका, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर आपका Br जुड़ गया और यहां पर आपका Br जुड़ गया, ठीक है। तो ये देखो ये क्या, जो ब्रोमीन होता है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये रिएक्शन क्या कराता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसे अगर हम KMnO4 के साथ देखें तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यहां पर जुड़ जाता है आपका OH और यहां पर क्या जुड़ जाता है आपका OH। तो एल्कीन क्या करता है, ब्रोमीन वाटर को भी या KMnO4 को क्या कर देता है आपका, डीकलराइज कर देता है, डीकलराइज कर देता है। लेकिन यहीं पर अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करें आपका, अगर इसकी रिएक्शन हम बेंजीन से करें, अगर बेंजीन से हम किसकी रिएक्शन करें, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2 और KMnO4, देखो अगर बेंजीन से हम इसकी रिएक्शन करें तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, नो रिएक्शन, यहां पर हो जाएगा आपका नो रिएक्शन और यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका नो रिएक्शन। तो देखो ये क्या था आपका, अगर हम इसको ट्रीट करें, यहां पर डबल बॉन्ड है तो बेंजीन भी एक टाइप का आपका क्या है, अगर हम बेंजीन को भी एल्कीन लें, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड है और बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है, तो इसलिए ब्रोमीन वाटर और KMnO4 को भी क्या करना चाहिए था आपका, डिक्लराइज करना चाहिए था। लेकिन ये इसको डिक्लराइज नहीं करता है, तो बेंजीन कभी भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, या हमेशा कौन सी रिएक्शन करता है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम यहीं पर आपका बेंजीन, अगर हम क्या करें, इस बेंजीन की रिएक्शन करते हैं हम किसके साथ, जैसे आपका हमने लिया Cl2 लिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये क्या आपका, ये आपका Cl का इलेक्ट्रोफिलिक है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहां पर क्या होता है आपका, बेंजीन पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर जुड़ जाएगा आपका Cl जुड़ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बेंजीन से क्या बन जाएगा आपका, क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। तो जो बेंजीन आपका होता है ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है, बेंजीन क्या था आपका, ये कंपाउंड क्या था आपका, एरोमेटिक, और अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, और क्या करता है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इसी को बोलते हैं हम अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। देखो अनयूजुअल बिहेवियर का रीजन भी क्या है, इसकी रीजन है आपका रेजोनेंस एनर्जी। अगर आप देखोगे कि बेंजीन के पास बहुत ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है, और जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो सिस्टम क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और सिस्टम अगर जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो देखो कंपाउंड एरोमेटिक है, और जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो स्टेबल होता है। अगर हम Br2 इसमें ऐड कर दें तो ये अपनी एरोमेटिसिटी को क्या कर देगा आपका, लॉस कर देगा। तो इसके पास तो बहुत ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी है, अगर रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी, बहुत ज्यादा होगी, और अगर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा आपका, डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो देखो बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, हमने जब सब्स्टिट्यूशन किया तो Cl लग गया, एक H रिप्लेस हो गया, Cl लग गया, तो देखो कंपाउंड एरोमेटिक है और अभी भी क्या आपका एरोमेटिक है। तो यहां से जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया तो एरोमेटिक से एरोमेटिक बना, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किया तो एरोमेटिक से ये क्या बन जाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। तो एरोमेटिक आपका स्टेबल है और नॉन एरोमेटिक आपका अनस्टेबल है, तो स्टेबल से कोई भी चीज आपकी अनस्टेबल की ओर नहीं जा सकती है। तो इसीलिए बेंजीन क्या करता है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। तो ये पॉइंट भी आपका हो गया। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो हकल रूल। अब देखो हकल रूल क्या आपका, हकल रूल आपका होता है आपका 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो कोई भी कंपाउंड अगर हकल रूल को फॉलो करेगा तो उससे पहले उसके पास आपके तीन कंडीशन है आपके पास। सबसे पहले आपका कंपाउंड होना चाहिए साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा आपका होना चाहिए प्लैनर होना चाहिए, और तीसरा आपका डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन। अगर कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन है, फिर आप क्या करोगे, 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम लगाओगे। अगर कंपाउंड 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा तो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज आपका नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा। देखो जैसे इसका एक छोटा सा हमने एग्जांपल ले रहे हैं, नॉर्मल एग्जांपल आपका बेंजीन। देखो अगर अब तो आपको रूल कैसे लगाना है, देखो बेंजीन में ये पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए, तो बेंजीन के पास टोटल कितने, 6π इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 6π इलेक्ट्रॉन है। अब देखो अब हमारे पास हकल रूल है 2n+2, यहां पर n मतलब आपका क्या है, ये हकल नंबर है, जीरो से स्टार्ट होता है आपका। देखो अगर आप n=0 रख दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 4×0+2=2π इलेक्ट्रॉन। देखो 2π इलेक्ट्रॉन। अगर n=1 रख दें तो क्या आ जाएगा, 4×1+2=6।
सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन देखो तो वन रखने पर ये वैल्यू इसके साथ मैच कर रही है, तो बेंजीन क्या होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड आपका होता है किसके अकॉर्डिंग आपका हकल के। हकल रूल को हम बाद में और भी आपका डिस्कस करने वाले हैं, हकल रूल के अकॉर्डिंग हम कंपाउंड को एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में यहां पर आपका डिवाइड करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आपका देयर इज अ डायमैग्नेटिक रिंग करंट। देखो डायमैग्नेटिक रिंग करंट आपका क्या होता है, डायमैग्नेटिक रिंग करंट का मतलब आपका क्या है, देखो ये डायमैग्नेटिक रिंग करंट आपका एनमान से आपको पता चलेगा, इसमें हम थोड़ा सा आपके एनमान को यहां पर डिस्कस करते हैं। देखो एरोमेटिक कंपाउंड आपका डायमैग्नेटिक रिंग करंट शो करते हैं। देखो जैसे सबसे हमने एक छोटा सा आपका एग्जांपल लिया बेंजीन, ये बेंजीन आपने एग्जांपल लिया, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अगर हम इसमें बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, अगर हमने क्या किया इसमें आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बोल रहे हैं आपका एच नॉट। अगर हम बेंजीन पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है, देखो बेंजीन में तो ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन के ऊपर और फ्लेम के नीचे होती है, ठीक है। ये क्या आपका पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे बेंजीन पर आपके घूम रहे हैं, ये क्या आपका सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अराउंड द रिंग। तो क्या होता है जैसे ही हम बेंजीन में बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं वो भी राइट एंगल से, बिल्कुल ये आपका नीचे से लगा रहे हैं बिल्कुल 90 डिग्री पर, तो हम जब बेंजीन में बाहर से आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस टाइप से डिलोकलाइज होते हैं, घूमते हैं कि ये नया मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट करते हैं यहां पर, ठीक ऐसे ये आपका इसके अंदर क्या करते हैं आपका एक नया मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका कुछ ऐसे आपका डिलोकलाइज होगा, इसको हम बोलते हैं आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यह हम इसको बोलते हैं आपका सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो क्या होता है आपका, अगर बेंजीन में हम प्रोटॉन की बात करें तो बेंजीन में जो प्रोटॉन होते हैं वो आपका एक प्रोटॉन यहां पर होगा, ऐसे एक प्रोटॉन आपका यहां पर होगा, ऐसे आपके सिक्स आपके प्रोटॉन है बेंजीन में। अब देखो क्या होता है, तो अगर हम देखें, देखो हमारे पास सपोज इसको हम यहां पर देखें, अब देखो जब हम देखते हैं इसमें जो ये आपका है ये वाला यहां पर देखो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जिसको हम लिख रहे हैं आपका एच आई से लिख रहे हैं, तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो यहां पर क्या कर रही है आपके रेनफोर्स कर रही है, सपोर्ट कर रही है। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये सपोर्ट करेगा तो देखो जैसे आपका सपोज यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया, ये एच है और यहां पर एक एच ही है, ये आपकी सपोज कोई रिंग है, ये आपकी रिंग है, तो अगर हम इस रिंग पर हमने क्या किया, देखो यहां से आपका सर्कुलेशन ऐसे सर्कुलेशन हो रहा था, सॉरी थोड़ा सा अंदर बना लेते हैं इसको, तो देखो ये आपका कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन का आपका सर्कुलेशन हो रहा था जिसको हमने क्या बोला आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा क्या था इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आपका जनरेट हो रखा आपका पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, और हमने बाहर से क्या लगा रखा है इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। देखो ये हमारा क्या था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमने एच नॉट बोला था। तो अगर हम यहां पर देखें तो देखो यहां पर क्या होता है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम एच आई बोल रहे हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको सपोर्ट करेगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा वो क्या निकलेगा एच इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका एच एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये आपकी कंडीशन हो रही है तो यहां पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड आपका बढ़ जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इसको हम बोलते हैं आपका पैरामैग्नेटिक इफेक्ट, तो ये कहलाता है आपका पैरामैग्नेटिक इफेक्ट। या क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड में जो भी शिफ्टिंग हो रही है, देखो यहां पर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऊपर है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड में इसके जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड में जो भी शिफ्टिंग होगी इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक शिफ्ट।
इसको आप बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक शिफ्ट। लेकिन अगर ये पैरा मैग्नेटिक शिफ्ट किसके लिए आपका, ये आपका जो एक्सटर्नल प्रोटॉन है, इसको हमने बोला एक्सटर्नल प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन कहलाता आपका इंटरनल प्रोटॉन। देखो इसको इंटरनल प्रोटॉन क्यों बोला गया है, क्योंकि ये रिंग के, ये रिंग बना रखा आपने, ये आपका ये रिंग है, इस रिंग के अंदर ही प्रोटॉन है, तो रिंग के अंदर है तो इसको हमने बोला कि आपका इंटरनल प्रोटॉन। तो देखो इंटरनल प्रोटॉन पे अगर हम इसकी बात, इंटरनल प्रोटॉन की बात करें, तो यहां पर क्या होगा, देखो इंटरनल प्रोटॉन पे क्या कर रहा है, ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है ये नीचे की ओर हो रहा है, और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ये कहां की ओर हो रहा है, ऊपर की ओर। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, ये इफेक्टिव आपका है, ठीक है, तो इफेक्टिव जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये क्या होगा आपका, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर भी क्या होगा आपका, शिफ्टिंग होगी, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड में जो भी शिफ्टिंग होगी इसको बोलते हैं हम डायमैग्नेटिक, इसको बोलते हैं हम डायमैग्नेटिक शिफ्ट। देखो अब होता क्या है, डायमैग्नेटिक शिफ्ट और आपका दूसरा एक आपका आ गया पैरा मैग्नेटिक शिफ्ट। तो देखो हमारे पास दो टाइप के प्रोटॉन निकल गए, पैरा, दो टाइप का शिफ्ट निकल चुका है, पैरामैग्नेटिक शिफ्ट है, दूसरा आपका डायमैग्नेटिक शिफ्ट है। तो पहला आपका है पैरामैग्नेटिक शिफ्ट। देखो पैरामैग्नेटिक शिफ्ट किसकी वजह से आ रखा आपका, एच इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, एच ओ प्लस एच आई, और दूसरा हमारे पास क्या आपका डायमैग्नेटिक शिफ्ट। देखो डायमैग्नेटिक शिफ्ट में जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है जो आपका लग रहा है आपका प्रोटॉन पर, वो कितना हो रहा है आपका एच नॉट माइनस एच आई, और यहां पर क्या एच इफेक्टिव इज इक्वल टू एच नॉट माइनस एच आई सॉरी प्लस एच आई। अब देखो पैरामैग्नेटिक शिफ्ट में क्या होता है आपका, पैरामैग्नेटिक शिफ्ट कॉजेज डिसिल्डिंग ऑफ आउटर प्रोटॉन ऑफ रिंग। तो क्या होता है आपका पैरामैग्नेटिक शिफ्ट से क्या हो जाता है आपका, जो ये आउटर प्रोटॉन है देखो डिसिल्डिंग कैसे हो रही है, क्योंकि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऊपर की ओर जा रहा है, और जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऊपर की ओर जा, कोई भी शील्ड नहीं कर रहा है, और अगर शील्ड नहीं करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका डिसिल्डिंग। तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो डिसिल्डिंग हो रही है, और डिसिल्डिंग से क्या होती है आपकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डेल्टा होगी वो क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी, और जो वैल्यू होती है आपकी 6 to 8 होती है आपके एरोमेटिक कंपाउंड में। अगर यहीं पर हम डायमैग्नेटिक इफेक्ट शिफ्ट को देखें तो डायमैग्नेटिक शिफ्ट से क्या होता है, शील्डिंग हो जाती है शील्डिंग ऑफ इनर प्रोटॉन ऑफ रिंग। देखो इनर प्रोटॉन की शील्डिंग कैसे हो रही है आपकी, देखो ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर जा रहा है, और जो इनर जो आपका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की ओर आ रहा है, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये इस प्रोटॉन पर लगना चाह रहा है, लेकिन जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है ये इसको रोक दे रहा है, शील्ड कर दे रहा है। और देखो जब शील्डिंग होगी है, तो जब शील्डिंग होती है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है आपकी, केमिकल जो शिफ्ट की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है आपकी डिक्रीज हो जाती है, और ये होती 0 to 1 के आसपास होती है आपकी, 0 to 1 ppm के आसपास होती है। तो अगर हम इसको आपका देखें, देखो तो यहां पर आपके दो टाइप के आपके पास एक डायट्रोपिक, इसको हम बोलते हैं आपका एक डायट्रोपिक, और आपका एक है आपका प्रोटोट्रोपिक। तो हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं आपके, एक होता है आपका डायट्रोपिक मॉलिक्यूल। अब देखो डायट्रोपिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपके, अगर हम एनएमआर से इसको देखें तो डायट्रोपिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जहां पर आउटर प्रोटॉन क्या होता है आपका, हम रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, आउटर प्रोटॉन कौन से जोन में जाता है आपका, डिसिल्डेड जोन में, और इनर प्रोटॉन कहां जाता है आपका, शील्डेड जोन में जाता है,
अगर इनर प्रोटॉन आपका सील्डिट जोन में जाता है तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या कहलाता है आपका डायट्रोपिक मॉलिक्यूल कहलाता है। और जितने भी डायट्रोपिक मॉलिक्यूल होते हैं ऑल डायट्रोपिक मॉलिक्यूल आर एरोमेटिक इन नेचर। तो जितने भी डायट्रोपिक मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं आपके एरोमेटिक होते हैं नेचर में। दूसरा आपके पास है पैराट्रॉपिक मॉलिक्यूल। अब देखो ये पैराट्रॉपिक मॉलिक्यूल क्या होता है, बिल्कुल डायट्रोपिक का बिल्कुल अपोजिट हो गया। देखो जैसे हमारे पास रिंग है, रिंग में दो टाइप के प्रोटॉन है, एक आउटर प्रोटॉन और दूसरा क्या आपके पास इनर प्रोटॉन। तो देखो जो आउटर प्रोटॉन होगा वो यहां पर शील्डेड होता है और जो आपका इनर प्रोटॉन होता है वो कौन सा होता है आपका डिशील्डेड जोन। ये दोनों आपके आपका जो आउटर प्रोटॉन है वो शील्डेड जोन में जाते हैं और जो आपका इनर प्रोटॉन है वो डिशील्डेड जोन में जाते हैं। ठीक है, डिशील्डेड जोन की जो वैल्यू होगी वो होती है आपकी 6 to 8 ppm और जो शील्डेड जोन होगी ये 0 to 1 ppm के बीच की होती है इनकी केमिकल शिफ्टिंग की। तो देखो ये और जो ये प्रॉपर्टी होगी है जो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है ये किसकी होती है आपकी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आपका होगा क्या, अगर देखो इसको अगर हम हटा दें यहां से तो आपके पास कंक्लूजन क्या आया कि अगर बेंजीन रिंग में, ठीक है, अगर कोई भी आपका जैसे हमने एक आपका ये रिंग बनाई, ये आपका एक रिंग लिया मॉलिक्यूल लिया, ऐसे आपका एक मॉलिक्यूल ये है। अब देखो हमने इसमें दो टाइप के प्रोटॉन, एक प्रोटॉन आपका ये है एच और एक प्रोटॉन आपका ये है एच, ऐसे एक प्रोटॉन यहां पर है एक प्रोटॉन आपका यहां पर है। इसको हमने ये रिंग के ये हमने ये क्या दिखा रखा हमने ये हमने रिंग दिखा रखा है, ऐसे ये भी क्या आपका ये रिंग है और ये प्रोटॉन कैसा हो गया आपका ये हो गया आपका आउटर और ये वाला प्रोटॉन कैसा हो गया आपका इनर। तो अगर यहां पर क्या होगा आउटर प्रोटॉन, ये जो आउटर वाला प्रोटॉन है अगर ये इसकी डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा मतलब केमिकल शिफ्ट, अगर इसके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या आपकी, अगर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाई है और यहां पर जो इनर प्रोटॉन है ये इसके जो डेल्टा की वैल्यू है ये अगर लो है, तो देखो जब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाई होती है, हाई मतलब होता है आपका हम पीपीएम में ले रहे हैं तो हाई मतलब हो गया आपका कौन सा आपका डिशील्डेड जोन और लो मतलब हो गया आपका कौन सा शील्डिंग जोन, ये आपका हो गया शील्डेड जोन। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल हमेशा कैसा होगा, देखो डिशील्डिंग जोन में गया आउटर प्रोटॉन और शील्डिंग जोन में गया इनर प्रोटॉन, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया आपका एरोमेटिक होगा, ये कंपाउंड होगा आपका एरोमेटिक। और यहां पर बिल्कुल इसका उल्टा कर दो, ये जो आपका आउटर प्रोटॉन है ये इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है ये लो होगी, लो मतलब ये जाएगा कौन सा आपके ये जाएगा आपका शील्डेड में शील्डेड जोन में, और जो ये आपका इनर प्रोटॉन है इसके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाई होगी तो हाई मतलब जाएगा ये कहां आपका आपका डिशील्डेड जोन में। और अगर ऐसा कोई कंपाउंड दिखाया है तो ये क्या होता है आपका एंटी एरोमेटिक होता है, तो ये कंपाउंड होता है आपका एंटी एरोमेटिक। तो अगर हम इसमें देखें आपका तो आपने हमने क्या देखा एरोमेटिक कंपाउंड फॉर ये देयर इज अ डायमैग्नेटिक रिंग करंट। तो अगर हम यहां पर देखें डायमैग्नेटिक रिंग करंट आपका, तो यहां पर ये क्या आपका डायमैग्नेटिक रिंग करंट कौन सा शो करता है आपका हमेशा डायट्रोपिक मॉलिक्यूल शो करता है, और अगर डायट्रोपिक मॉलिक्यूल होगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे आपका डायमैग्नेटिक रिंग करंट बोलेंगे, और डायमैग्नेटिक रिंग करंट कौन शो करता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ईच कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज। देखो अगर कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होगा, तो डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो कहां होते हैं आपके प्लेन पर होते हैं, और अगर पी ऑर्बिटल प्लेन पर होगा तो कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन आपका पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए डीलोकलाइजेशन का होना जरूरी है। तो जैसे हमारे पास एक कंपाउंड आपका जैसे ये आपका पी ऑर्बिटल है, ये आपका पी ऑर्बिटल है, अगर देखो अगर इस कार्बन का आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो इसका भी अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आपका sp2 है, तो अगर sp2 होगा तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में आसानी से फ्लो आपका जा सकता है, और अगर
आसानी से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम देखो, सपोज ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, अब देखो ये आपका सपोज हमने ऐसे कुछ बना दिया, अब देखो यहां पर सपोज ये sp2, ये भी sp2 और अब ये sp3 आ गया। अगर ये sp3 आ गया तो ये प्लेन पर नहीं होगा, क्योंकि sp3 ऑर्बिटल हमेशा कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और अगर टेट्राहेड्रल होगा तो ये प्लेन पर नहीं होगा, और अगर प्लेन पर नहीं होगा तो केवल डीलोकेशन इतना ही होगा, तो कंप्लीट डीलोकेशन पॉसिबल नहीं होगा। और अगर कंप्लीट डीलोकेशन पॉसिबल नहीं है तो एरोमेटिक कंपाउंड भी आपका नहीं हो सकता है। तो ये था आपका क्या, कार्बन आपका sp। और देखो सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, नॉन साइक्लिक सिस्टम में कभी भी हम एरोमेटिक कंपाउंड को नहीं देखते हैं। कंपाउंड आपका एरोमेटिक तभी होगा जब सिस्टम कैसा होगा, आपका साइक्लिक होगा। तो साइक्लिक सिस्टम में या तो sp होना चाहिए या आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है, इट हैज हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ड्यू टू फील्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो ये फील्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, देखो अगर इसको हम फ्रॉस्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, देखो फ्रॉस्ट डायग्राम देखते हैं आपका, जैसे हमने एग्जांपल लिया, देखो फ्रॉस्ट डायग्राम जैसे हम बेंजीन का आपका फ्रॉस्ट डायग्राम बनाते हैं, तो देखो फ्रॉस्ट एक्चुअल में किसी साइंटिस्ट का नेम है। देखो फ्रॉस्ट डायग्राम में सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको एक सर्कल खींचना है, ये हमने एक सर्कल खींचा, और क्या करना है, इस सर्कल में हमें जो भी हमने एग्जांपल लिया है, हमने बेंजीन एग्जांपल लिया आपका, आपको इस सर्कल में इस बेंजीन को रखना है और मॉलिक्यूल को हमें इस टाइप से रखना है कि जो सर्कल का बेस होगा, ये आपका बेस होगा, इस बेस पर कम से कम एक कार्बन टच होना चाहिए। तो देखो अगर हम इस मॉलिक्यूल को रखें तो ये मॉलिक्यूल बिल्कुल इसके बेस में टच होगा, ऐसे ये अगर हम इसको रखें तो कुछ इस टाइप से बनेगा, ये हमने रखा। अब देखो जहां 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 आपका ये मॉलिक्यूल इस सर्कल से टच कर रहा है, ये सब कार्बन आपका जो टच कर रहा है, ये हर कोई ऑर्बिटल क्या दिखाता है, ये हर कोई इसका एनर्जी लेवल दिखाता है। तो यहां पर देखें एक एनर्जी लेवल ये है, 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 और एक एनर्जी लेवल आपका ये है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, तो हमने क्या किया, जहां जहां टच कर रहा है वो हर कोई, जहां पर कार्बन टच कर रहा है वो हर कोई क्या होता है आपका एनर्जी लेवल होता है। उसके बाद क्या करना है आपको, इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। अगर कोई भी इस हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर कोई भी कार्बन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करेगा तो वो हमेशा नॉन बॉन्डिंग होगा, और जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे होगा इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर वाले ऑर्बिटल है ये कहलाते आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब क्या करना है आपको, देखो तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऊपर की ओर आपकी एनर्जी बढ़ रही है, तो अगर हम देखें तो बेंजीन में एक ऑर्बिटल ये है, ऐसे आपका एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये, दोनों की एनर्जी आपकी इक्वल है। फिर आपने बीच में क्या कर रखा, हॉरिजॉन्टल लाइन डाल रखी है, उसके बाद एक ऑर्बिटल ये है ऐसे इसके सामने, और एक ऑर्बिटल ये है, ठीक है। तो अगर हम बेंजीन में देखें तो देखो अब बेंजीन में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो दो, दो चार और दो छह, टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर हम भरेंगे तो हमेशा लोएस्ट एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो दो दो चार और दो छह, तो यहां पर क्या है, ये सब क्या आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर किसी कंपाउंड में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड रहता है तो वो कंपाउंड हमेशा स्टेबल होता है, और अगर वो कंपाउंड आपका स्टेबल होगा तो क्या होगा आपका एरोमेटिक होगा। तो बेंजीन में अगर देखें तो जितने भी बॉन्डिंग, तीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और तीन के तीन की एनर्जी देखो, तीन के तीन ऑर्बिटल के आपके कंप्लीटली फिल्ड है, और अगर कंप्लीटली फिल्ड तो तभी दिखा हमने ड्यू टू फील्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी किसकी वजह से आती है, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। अगर कंप्लीटली फिल्ड हो जाए तो ये कहलाता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड, अगर कंप्लीटली फिल्ड आपका नहीं होगा तो ये कहलाता है आपका एंटी एरोमेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन इस नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कभी जाता है तो वो कंपाउंड हमेशा कैसा होता है आपका, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आपका होता है। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन की, हर एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को यहां हमने वन बाय वन आपका डिस्कस किया। देखो अब यहां पर था एक एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो हकल रूल, अब यहां पर इस हकल रूल के अकॉर्डिंग हम एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानते हैं, कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा।